वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस इट स्टार्ट्स विद द फर्टिलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। जायगॉट कैसे बनता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स, एग एंड स्पर्म, टू फॉर्म द डिप्लॉइड जायगॉट। द आउटर कवरिंग ऑफ अ मैच्योर एग इज नोन एज जोना पैलिसिडा। And this zona pellucida is made up of glycoproteins. इस structure में आप देखिए, the outer covering is zona pellucida. This is the mature egg and sperm is hitting. Sperm इसको hit कर रहा है और ये zona pellucida को break करते हुए अंदर plasma membrane में enter हो जाता है और दोनों के nucleus mix कर zygote बनाते हैं. That is a haploid structure. Sperms enter हुआ है, haploid structure बना. ये process होता है karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis यानी nucleus का division as well as cytoplasm का division. और ये division जब start होता है तो zygote से सबसे पहले diploid structure से बनती हैं दो cell, then four, फिर आठ cell, फिर 16 और 32 cell and so on. 16 cell stage, जब 16 cell में एक zygote divide हो जाता है उस stage को हम कहते हैं morula stage. मोरूला कहाँ से ड्राइव हुआ वर्ड? इट ड्राइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड और इसका मतलब है मलबरी ब्लैक। शहतूत आप सब जानते हैं जो लगभग ऐसा दिखाई देता है, मलबरी ब्लैक। बहुत सारी सेल्स उसमें डेवलप हो जाती है, इट बिकम्स वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट डे जायगॉट, जायगॉट में माइटोसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ और डबल सेल स्ट्रक्चर बन गया। देन फिर माइटोसिस हुआ और दो की चार और चार की आठ और आठ की 16, 16 स्टेज तक आते आते बन गया मोरूला। आप देखिए इस एग में आउटर कवरिंग इज जोना पैलिसिडा। जोना पैलिसिडा दो सेल तक, फोर सेल तक और जब तक मोरूला बनता है जब तक जोना पैलिसिडा बाहर का आउटर कवरिंग एग का मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही ये मोरूला स्टेज बन जाती है उसके तुरंत बाद बाहर की जो आउटर कवरिंग है जिसे हम जोना पैलिसिडा कहते हैं ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। डिसअपीयर होने के साथ साथ मोरूला में जो बहुत सारी सेल्स बनती हैं उसकी आउटर सेल्स, दीज आर द आउटर लेयर, आउटर सेल्स, वो अपने आप को बाकी सेलों से थोड़ा भिन्न कर लेती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन और भिन्न करके आउटर कवरिंग जो बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट आउटर कवरिंग बनी, कुछ सेल्स सेंटर में अपने आप को एक कॉर्नर में एग्रीगेट कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं और एक सेल मास बनाती हैं जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। और एक कैविटी डेवलप हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि सारी सेल्स एक तरफ इकट्ठी हो गई, कुछ डिफरेंशिएट होकर के बाहर की आउटर कवरिंग बना गई, बना लिया और इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये पूरा प्रोसेस पहले दिन से लेके विद इन 5 डेज सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेल्स और ज्यादा क्लोज आती हैं, क्लोज आने के बाद मोरूला के बाद दे डिफरेंशिएट एग्रीगेट और क्या बनाती है ट्रोफोब्लास्ट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट ड्यू टू द हाई कॉम्पैक्ट। एक इनर मास सेल्स इकट्ठी होती हैं जिनको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट। एम्ब्रियो ब्लास्ट और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं और कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या बनाती हैं ब्लास्टोसील्स। ब्लास्टोसील इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स फर्दर फिर कॉम्पैक्ट होती हैं और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये एक और कैविटी को जन्म देती हैं, उस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और इस स्टेज में एम्ब्रियोब्लास्ट के बाद सेल्स और कॉम्पैक्ट होती हैं, इसकी शेप हो जाती है स्पेरिकल, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन आप देख रहे हैं बिल्कुल इस शेप का स्पेरिकल शेप हो जाता है और एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ इसको हम समझेंगे, ये हुई मोरूला स्टेज यानी बहुत सारी सेल्स डेवलप हुई। सेल्स डेवलप होने के बाद जोना पैलिसिडा जो आउटर कवरिंग एग की थी वो डिसअपीयर हो गई और जो सेल्स थी वो एक जगह एग्रीगेट हो गई। एग्रीगेट होने से बीच में एक कैविटी डेवलप हुई जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये जो एग्रीगेट सेल्स है ये फर्दर और कॉम्पैक्ट होती है और कॉम्पैक्ट होने के बाद एक और कैविटी का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी बाहर की लेयर हो गई ट्रोफोब्लास्ट और एमनियोटिक कैविटी। ये सेल्स, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स हैं इसके नीचे की लेयर अपने आप को और थोड़ा सा
इससे भिन्न करती हैं, ये सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं और यहाँ जन्म हो जाता है हाइपोब्लास्ट का। किसका? हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट के जन्म होने से ये नहीं ब्लास्टोसिल थी, ये हाइपोब्लास्ट, और ये हो गई आपकी एमनियोटिक कैविटी। यानी ये दो जर्म लेयर लगभग डेवलप हो गई, एपिब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। एमनियोटिक कैविटी के नीचे क्या डेवलप हुआ? हाइपोब्लास्ट। और ये स्टेज रेडी है फॉर द इम्प्लांटेशन। निजायगोट की ये स्टेज इम्प्लांटेशन इसका होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, जो बाद में प्लेसेंटा डेवलप होके पूरा एडल्ट बनता है। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है बिफोर इम्प्लांटेशन, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो स्पेरिकल शेप है, जैसे वाटर मेलन है। अगर वाटर मेलन को हम ऊपर से काट दें, स्पेरिकल शेप में काटें, तो आप इमेजिन करिए उसमें तीन, उसमें दो लेयर, आउटर एपिब्लास्ट एंड इनर इज हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट लेयर जो ऊपर की लेयर है, उसमें कुछ सेल्स अपने आप को बीच में इकट्ठा करती हैं और एक हीप लाइक स्ट्रक्चर, हीप मीन्स एक उभरी हुई स्ट्रक्चर बनाती हैं। एंड दिस इज द इनिशिएटिव पॉइंट फॉर प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक का की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। और ये सेल्स जारी रखती हैं अपना माइग्रेशन फ्रॉम एपिब्लास्ट टू हाइपोब्लास्ट, और ये इतनी स्पीड से होता है कि हाइपोब्लास्ट को ब्रेक करते हुए हाइपोब्लास्ट को फोर्स करती है कि वो उसकी नीचे की लेयर फिर अपने आप को डिफरेंशिएट करती है और जन्म होता है तीसरी जर्म लेयर का। यानी इस स्टेज तक आते आते थ्री जर्म्स लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस स्टेज इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन, यानी तीन जर्म लेयर के बनने की स्थिति को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। एंड इट अप्रोक्सीमेटली टेक्स 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल प्लेट। मिडिल में मेसोडर्म है, ऊपर एपिब्लास्ट, नीचे बीच में मेसोडर्म। अब हम इसे एपिब्लास्ट न कहके ऊपर की एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो तीन जर्म लेयर्स बन जाती हैं और जो बीच की मेसोडर्मल लेयर है उसके सेंटर में कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके एक ग्रुप बना लेती हैं और इस मास को सेल्स के हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। यानी नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है मेसोडर्म के सेंटर में सेल्स में, और जैसे ही नोटोकॉर्ड के लिए कुछ सेल्स इकट्ठी होती हैं, ये मेसोडर्म की सेल्स इनिशिएट करती हैं ऊपर की एक्टोडर्मल सेल्स को, वो भी एक जगह अपने आप को एग्रीगेट करना शुरू कर देती हैं। और एग्रीगेट करके ये जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट सेल्स इतनी स्पीड से अपने आप को माइग्रेट करती हैं सेंटर में, इतनी स्पीड से डिफरेंशिएट करती हैं कि वो मेसोडर्म बीच की लेयर और लास्ट लेयर एक्टोडर्म को ब्रेक करते हुए बनाती हैं न्यूरल प्लेट। आइए इसे डायग्राम के थ्रू देखें। ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला में दो जर्म लेयर, गैस्ट्रुला में तीन जर्म लेयर। यानी ये थी ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील बनी। ब्लास्टोसील से फिर क्या हुआ? उसकी जो हाइपोब्लास्ट थी वो को डिफरेंशिएट होना शुरू हुई, और डिफरेंशिएट होने के बाद उसने बनाई आर्केंड्रॉन, एक और नई कैविटी बनाई। और इस नई कैविटी के बनने के साथ साथ ही सेल्स इतनी स्पीड से डिफरेंशिएट करती हैं कि तीन लेयर, तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जहां तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। और अब हम इनको एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट ना कह के बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच की लेयर मेसोडर्म। नीचे इसका कट सेक्शन आप देखिए, इसमें ये बाहर की ब्लू वाली एंडोडर्म, बीच की जो लेयर है ये येलो वाली एंडोडर्म, बाहर की ब्लू लेयर एक्टोडर्म, और जो रेड डिफरेंशिएट कर रही है किससे, किससे डिफरेंशिएट कर रही है? रेड वाली आपकी मेसोडर्म, ये इससे एंडोडर्म से, एंडोडर्म से डिफरेंशिएट कर रही है, और ये लेयर बन गई मेसोडर्म। अब हम देखते हैं न्यूरल प्लेट कैसे बनती है। न्यूरल प्लेट, जैसे मैंने आपको बताया कि एपिब्लास्ट में कुछ सेंटर में सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं, डिफरेंशिएट करके एपिब्लास्ट में बनता है न्यूरल प्लेट, और मेसोडर्म के सेंटर में कुछ सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, वो बनाती हैं एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन के साथ ये सेल्स इनिशिएट करती हैं एपिब्लास्ट की सेल्स को, और उसकी वजह से वो कुछ सेल्स सेंटर में इकट्ठी होती हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट। और ये न्यूरल प्लेट इतनी स्पीड से डिफरेंशिएट होती है, इतनी स्पीड से सेल्स संक डाउन होती है कि ये मेसोडर्म और एंडोडर्म को तोड़ते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ देखिए, दिस इज आउटर कवरिंग, दैट इज द एक्टोडर्म, और यानी एक्टोडर्म हो गई। एक्टोडर्म में अपने न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। न्यूरल प्लेट में इतनी स्पीड से सेल डिफरेंशिएट होती हैं कि वो मेसोडर्म और एंडोडर्म को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की ओर सिंक होने लगती हैं, और वो बनाती हैं न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब के बनने से जो उसका सिंकन पार्ट है, जो उसका नर्वर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट। सर, दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इन अप टू द फ्रॉम जायगॉट टू न्यूरल प्लेट एंड नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। दिस इज ऑल अबाउट अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। सो दैट्स ऑल अबाउट early embryogenesis.